मेरा नाम रमेश शुक्ला है, मैं ओलेक्ट्रा कंपनी में काम करता हूं और मैं बोले जब से लॉकडाउन हुआ तब से इधर ही हूं। मेरे को पुलिस वाले बोले तब से खाना मिला तब से खा रहे हैं, सरकारी कोई सामान हमको नहीं मिला सर। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है सर, जो भी हमारे पास पैसे थे हम लोग आदमी से खा लिए हैं, जो प्रेस वाले खाना दे रहे थे वही हम लोग खा रहे हैं। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहे हैं दिलाने के लिए, तो आजकल करके टाल रहा है, उधार दिला रहा है, उसमें डबल पैसे भी ले रहा है वो लोग। मेरा नाम अखिलेश सिंह है, यूपी से बिलोंग करता हूँ और जब से यहाँ पर लॉकडाउन हुआ है तो लोग यहीं पर फंसे हैं, ना ही कहीं जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी नहीं है, बहुत परेशान हम लोग हैं और ना गैस है ना कुछ है। प्रेस वाले एक बार आए, वो बोले खाना वाना के लिए व्यवस्था किए और प्रेस वाले आए और खाना वाना नाश्ता वास्ता दिलवा रहे थे बीच में, और बोले कि चावल और राशन दिलवाएंगे, वो भी नहीं अभी तक मिला है। और हम लोग 30 मेम्बर्स है, पूरे लोग परेशान हैं यहाँ पे, और कुछ व्यवस्था करिए। मेरा नाम योगेश्वर चेक बड़ाइक है, मैं झारखंड का हूँ और मेरे साथ यहाँ पे यूपी बिहार झारखंड हर जगह के आदमी हैं, टोटल हम लोग 35 आदमी हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन टच में काम करते हैं, हम लोग को 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। न्यूज वाले हमें 3-4 दिन से हम लोग को खाने के लिए सुविधा दिए हैं, हमारा ठेकेदार से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी फिलहाल में, हमें खाने की सुविधा चाहिए और अभी घर भी जाने के लिए हम लोग परेशान हैं। हम इतने दिन से हम लोग परेशान हैं तो हमको मदद की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि सरकार हमें हमारी मदद करे और खाने पीने की सुविधा दिलाएं।